भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने अपने क्रांतिकारी मशाल से आदिवासी समाज की दशा और दिशा तो बदली ही, साथ ही पूरे देश में क्रांति की एक नई लहर जगा दी। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। बिरसा मुंडा ब्रिटिश साम्राज्य के काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को तगड़ा झटका दिया था। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, जहां 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा शहीद हो गए। यही वो बिरसा मुंडा कारागार है जहां बिरसा मुंडा को बंद किया गया था, जहां 25 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने भी धरती आबा को नमन किया। प्रदेश के मोराबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन कर भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सीएम हेमंत सोरेन के साथ प्रदेश के कई नेता मौजूद रहे। नाबालक से सवालक हो जाते हैं, हम आप देशवासी या राज्यवासी आज सोचना चाहिए, हम सवालिक हुए हैं। सवालिक होने से क्या होता है, उनका चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है और उनका मानसिक शारीरिक रूप से वो बहुत सशक्त हो जाते हैं। आज हम अपने आप को सोचना चाहिए, हम सशक्त है नहीं है तो उसी दिशा में आगे जाना चाहिए और बिरसा मुंडा जो सपना देखे थे उसी सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। 20 साल होने को जा रहे हैं और ये अत्यंत खुशी की बात है कि ऐसे महापुरुषों के शुभ अवसर पर अलग अलग तरीके से अलग अलग गतिविधियों को उनको समर्पित करते हुए हम उनको याद करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर केंद्रीय कारागार रांची में भी लोगों का जमावड़ा लगा रहा। लोग भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार पहुंचे। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बिरसा मुंडा की यादों को समेटने की कोशिश भी दिखाई तो देती है, लेकिन वो कोशिश नहीं दिखाई देती जो भगवान बिरसा मुंडा की यादों को पूरी तरह संजो सके। संघर्ष किए और दबे कुचले आदिवासी का जो जीवन है उनके लिए संघर्ष किए और जगह जमीन का जो लड़ाई लड़े अंग्रेजों से और जिसमें सफलता पाई, यही सब को देखते हुए ये जगह का हमेशा इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा इस जगह का। हम लोग को बिरसा मुंडा हम लोग के धर्म गुरु, हम लोग के पहले के आजा ये सब के अगुवाई थे। हम लोग के आदिवासी समाज के महिलाओं की बहुत प्रोत्साहित है कि हम लोग को इस बिरसा मुंडा के द्वारा आदिवासियों के सब समाज। बिरसा मुंडा की जयंती के साथ ही झारखंड राज्य का अस्तित्व भी जुड़ा है। 15 नवंबर ही वो तारीख है जब झारखंड बिहार से अलग होकर एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। झारखंड को बिहार से अलग हुए आज 20 साल हो गए। मुख्यमंत्री 20 साल के युवा झारखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो है कि क्या झारखंड बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बन पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सनमार्ग, लाइव 7।